हेलो हेलो गाइस, आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और देखो, मैं काम करते करते थोड़ा सा लग गया था। और आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लेडीज़ हो तो मेरा काम देखोगे तो आपको खुशी लगे, क्या दुख लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और देखो, सुबह सुबह 6:30 बजे मैं उठ जाती हूँ, जग जाती हूँ, क्योंकि सुबह मेरा बच्चे लोग का स्कूल रहता है। और जैसे कि देखो, सुबह का काम कैसा रहता है, तो आज का वीडियो देखोगे ना तो ज़रूर पता होगा। क्योंकि बच्चे लोग 9 बजे स्कूल जाते हैं मेरा एक रुपेश, और एक 12 बजे, तो मेरे को जल्दी नाश्ता भी तैयार करना है 9 बजे के पहले, और 12 बजे के पहले मेरे को दोपहर का खाना रेडी करना है। तो देख सकते हो मैं कैसे दौड़ दौड़ के काम कर रही हूँ। और सारा काम जब सुबह नहीं करूँगी तो दिन भर में काम का मतलब बिगाड़ ही रहता है सारा घर, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। घर अगर बिगाड़ा रहता है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सुबह कैसे दौड़ के काम करती हूँ तो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। और कमेंट ज़रूर कीजिए, भूलिए मत। तो मैं यहाँ पे बिस्तर मैं ठीक कर लूँगी, और बिस्तर ठीक कर लूँगी, सारा घर को मैं झाड़ू लगा लूँगी, पोछा लगा लूँगी, और पूजा भी कर लूँगी 9 बजे के पहले। मैं नाश्ता भी रेडी करूँगी, इसलिए मेरा चेहरा देख सकते हो कितना एकदम यहाँ पे खुशी दिख रहा है अंदर से, तो मैं बोल रही थी। और देखो यहाँ पे खुशी, और फल आ रहा है, 2-4 ठो आया है, छोटा छोटा है, नहीं दिख रहा है, मतलब अंदर से दिखा रही हूँ आप लोग को। तो लेडीज़ को ही पता होगा क्या हम लेडीज़ कैसे संभालते हैं सारा काम घर का निपटाते हैं। और हम लोग का डेली रूटीन यही होते हैं, सुबह जब स्टार्ट हम लोग का चालू हो जाते हैं दिन भर, जैसे कि सबके लिए हम लोग को दौड़ना पड़ता है, हम लोग को मेहनत करना पड़ता है, हम लोग को सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए देखो, चेहरा देखने से ही पता चल रहा है क्या हम लोग का चेहरा में ही सब पता चल रहा है। जैसे कि डेली तो नहीं होता है, कभी कभी ऐसा हो जाते हैं थक जाती हूँ, उसी दिन का ही चेहरा ऐसा ही हो जाते हैं, तो आप लोग को दिखाना नहीं चाहती हूँ। अगर लेडीज़ हो तो ज़रूर मेरे को सपोर्ट करते रहिए, जेंट्स हो तो लेडीज़ का बात ज़रूर समझिए। और देखो बिस्तर कितना अच्छा से मैं बेड लगा लिया, बेडशीट, और कितना अच्छा लग रहा है। और जो बेडशीट मैं वो वाला मैं धो लूँगी, पहले जो लगा हुआ था, और मैं अभी तक यह कवर नहीं लगाऊँगी, बाद में लगाऊँगी, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम बहुत कम है। और देखो मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ, क्योंकि दिन भर जब मैं घर में रहती हूँ तब मैं सेटिंग करके रखूँगी, ताकि मैं कल का वीडियो मैं डाल पाऊँगी इसलिए। और अभी बिस्तर दोनों रूम का, एक रूम में हम लोग का ना जब एक रूम में हम लोग का बेड है, जैसे कि पालंग एक रूम में ही है और एक रूम में नहीं है, नया नया आई हूँ। तो मेरा बच्चे लोग अभी, मेरा रूपेश तो हम लोग के पास ही सो जाते हैं, रू सोना नहीं चाहते, ऐसे भी बेड में जगह भी नहीं होते। और देखो ये वाला जो रूम है ना, इसमें रू सो जाते हैं, कभी कभी मैं भी जाके सो जाती हूँ उसके साथ, और कभी बोलते हैं मम्मी मत सो। और मेरा हस्बैंड जी यहाँ पे कुछ लेने आया था, देख सकते हो। और मैं पूरा बिस्तर मेरा रूम का तो जमा गया, मतलब उठा ली हूँ, और रू का रूम का भी मैं उठा लूँगी अच्छे से, और बस उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। और सारा घर को मैं अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद मैं उनका टिफिन, रुपेश का टिफिन बनाने लग जाऊंगी। स्कूल तो बच्चे लोग का रहता है, उसकी ज़्यादा टेंशन मम्मी का रहता है, क्योंकि जब मेरा खाना नहीं बनेगा, मैं हर चीज़ कपड़ा नहीं धोऊंगी, सारा सामान मैं तैयार करके नहीं रखूंगी, तो मेरे बच्चे लोग का स्कूल नहीं होगा, बंद हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा मम्मी का ही टेंशन रहता है। और देख सकते हो यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू लगा लूँगी जल्दी जल्दी। और ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट ज़रूर कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सुबह जब पानी आता है ना, तो मैं थोड़ा सा दौड़ के ही काम करना पड़ता है। जब पानी आता है ना, टैंकी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसी टैंकी में जब कपड़ा बहुत सारा हो जाता है तो पानी कम पड़ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा दौड़ के जल्दी सारा काम सुबह निपटाना चाहती हूँ और जल्दी करना चाहती हूँ। और दोपहर के टाइम जो बर्तन जो भी होता है घर का, थोड़ा साफ़ सुथरा मैं कर लेती हूँ, सुबह थोड़ा सा काम भारी पड़ता है। और देखो टाइम भी देख सकते हो कितना 7 बज चुके हैं, और यहाँ पे देखो मेरा काफ़ी भूख लगा है। मैं रुपेश के साथ थोड़ा सा मैं खाना भी खा रही हूँ यहाँ पे,
और खाना खाने के बाद रुपेश को मैं खिला दे रही हूँ। और रुपेश ऐसे नाटक करते रहता है खाना खाने के लिए बहुत ज़्यादा, और मेरा स्टाइल देख सकते हो मैं कैसे खाना खा रही हूँ। और रुपेश को भी मैं खिला रही हूँ, रुपेश के लिए लाया हूँ, लेकिन मैं भी नाटक कर रही हूँ, देख ऐसे खाना चाहिए ऐसे खाना चाहिए। पहले रुपेश ऐसा नहीं था, आजकल ऐसे ही करते नाटक करते, और उसके साथ मेरे को भी नाटक करके करके खाना पड़ रहा है, उसको भी खिलाना पड़ रहा है। क्योंकि जैसे मैगी मतलब दुकान का कुछ सामान रहता है ना खाने का, कुरकुरे बिस्किट, मतलब बिस्किट भी बहुत कम खाते हैं, कुरकुरे वगैरह ऐसे टाइप का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसे भी रुपेश का ना थोड़ा सा नाटक क्यों है, मैं ना शुरू से मैं ऐसे ही आदत बना दिया कि मेरे हाथ से खाना खाने का, तो इसलिए मेरे को ही टेंशन रहता है खाना खिलाने का। और जब भात मैं देती हूँ ना उसको, मैं चावल जब दे देती हूँ ना, तभी क्या होता है, मम्मी तुम ऐसे करके खिला दो मेरे को, ऐसा ऐसा बोलते हैं। टाइम तो मेरे पास टाइम नहीं रहता है, देखो खाना खाने के लिए कितना नाटक कर रहे हैं, देख सकते हो। सो के खाना नहीं खाता है वो। टिफिन भी बना देती हूँ ना, बोलते हैं मम्मी नहीं ले जाऊँगी स्कूल में, कभी कभार लेके भी नहीं जाते, इसलिए मेरे को ना उसको कैसे भी करके खाना खिला ही देती हूँ, खिला के देती हूँ। क्योंकि क्योंकि काफ़ी टाइम इसको देखो खाना खिला के देना पड़ता है। बहुत नाटक कर रहा है यहाँ पे, बहुत नाटक चल रहा है, तो इसलिए मैं ऐसे करके खाना खिला दे रही हूँ उसको। और मेरा रिव्यू ऐसा नहीं, रिव्यू थोड़ा सा शरीर अभी हेल्दी हो गया ना, तो वो तो खुद ही रोटी ज़्यादा पसंद करते, दोनों बच्चे रोटी ज़्यादा पसंद करते, चावल बहुत कम पसंद करते हैं। तो कभी कभी टाइम नहीं होता है मेरे पास, मैं शाम के टाइम बना देती हूँ और सुबह भी बना देती हूँ, कभी कभार ऐसा हो जाते हैं। चावल तो हम दोनों का मतलब मेरे हस्बैंड जी को और मेरे को बहुत पसंद, ज़्यादा पसंद है, और रोटी मेरा दोनों बच्चे को पसंद है। और देखो यहाँ पे नाच नाच के खाना खिला रही हूँ और बात कर रही हूँ और खिला रही हूँ, क्योंकि स्कूल जाते हैं ना तो काफ़ी टाइम रहेगा ना, इसलिए बहुत नाटक चल रहा है यहाँ पे। तो मम्मी, आप अगर मम्मी हो तो ज़रूर पता होगा कि बच्चे लोग नाटक करने से, खाना नहीं खाने से, स्कूल भूखा रहने से मम्मी को क्या टेंशन। देखो मैं रुपेश का ऐसा दिखा रही हूँ, रुपेश ऐसा खाना चाहिए ऐसा खाना चाहिए, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और रुपेश का बहुत शौक है, मम्मी ये वाला वीडियो डालोगे, तुम डालोगे, ज़रूर डालोगे, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आप मम्मी हो तो आपको ज़रूर पता होगा बच्चे को क्या करना चाहिए क्या नहीं, बच्चे के लिए कैसे करना ही पड़ता है मम्मी को। काफी खाना खा लिया, चल तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।